नमस्कार धनगर जी, अब तक आपने युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के बारे में ढेरों बातें सुनी होंगी। आज कुछ और पहलुओं को उजागर करते हुए दास आप महापुरुषों के चरणों में उनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें आप तक पहुंचा रहा है। आशा है हम सभी को सतगुरु के मार्गदर्शन के द्वारा अनेकों लाभ प्राप्त होगा और जैसा वो चाहते थे, ये मानवता का मिशन, मानव एकता का मिशन हर एक को खुशहाल करे, इसमें हम सभी सहायक साबित होंगे। बाबा गुरुवचन सिंह जी को प्राप्त करते ही निरंकारी मिशन को मानो प्रचार प्रसार के पंख लग गए हों। दिन दूनी रात चौगुनी बाबा जी प्रचार करने लगे और उन तमाम पहलुओं को समाज में उजागर करने लगे जिन पहलुओं के चलते इंसान का उत्थान हो सकता था, और पतन वाले पहलुओं को बाबा जी ने हमेशा मना किया कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस दिशा में सतगुरु ने पूर्ण नशाबंदी का उद्घोष किया कि जितने निरंकारी महात्मा होंगे वो कोई भी नशा नहीं करेंगे। आपने निरंकारी जगत को ये भी समझाया कि जितने विवाह होंगे वो सादा शादियों के रूप में ही होंगे, उसमें कोई दिखावा नहीं होगा और शादियां दिन के समय होंगे। आपने दिन के समय शादियों के महत्व को भी समझाते हुए कहा कि अगर शादियां दिन में होंगी तो लोग नशा भी नहीं करेंगे और रोशनी की चकाचौंध भी नहीं होगी, बेकार के खर्च भी नहीं होंगे। आपने निरंकारी हर भक्तों को नित्य व्ययी बनाया और फिजूल खर्ची से बचने के लिए हर उपाय समझाए। इसी बीच आपने सामूहिक मांसाहारी भोज को भी मना करवाया कि समाज में कहीं भी लंगर या भोज हो तो वो सादा ही होना चाहिए, क्योंकि संतों का स्वभाव ही सादगी वाला होता है और उनके भोजन भी सादे ही होते हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी ने मिशन के साहित्य और पत्र पत्रिकाओं में एक गुणवत्ता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी मजबूत करने के पक्ष में आदेश दिए। अपने युवा शक्ति को हमेशा प्रोत्साहित किया और सेवा दल को भी बढ़ चढ़ के सेवा करने की सीख दी। आपके मार्गदर्शन में ही बाल संगत का सूत्रपात हुआ और हर बच्चे को निरंकारी मिशन के दर्शन का लाभ पहुंचने लगा। बच्चे भी निरंकारी मिशन के प्रति जागरूक हो, इस बात पर विशेष बल आपने ही दिया। प्रारंभिक अवस्था में निरंकारी मिशन का प्रचार प्रसार पंजाब के कई प्रांतों में होते थे, लेकिन आपने ऐसी आवश्यकता महसूस की कि मानवता का मिशन केवल पंजाब तक ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रांतों में भी पहुंचे, और आपने पंजाबी यत की भाषा से थोड़ा सा बढ़कर हिंदी भाषा और अन्य प्रांतीय भाषा को प्रोत्साहित करते हुए अन्य प्रांतों में भी मिशन के प्रचार प्रसार को बढ़ाने की प्रेरणा दी। आपने सभी गुरु पीर पैगंबरों का सम्मान करने की सीख दी और हमेशा बताया कि जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए सबने
इस परमात्मा का ही यशोगान, इस परमात्मा से ही जुड़ने की बात समझाई है और उनका सत्कार के साथ हम सभी नाम लें, उनकी बातों को साथ संगत में रखा करें, इस बात की सीख दी। आपने नारी जाति को उसका योग्य स्थान और सम्मान देने के लिए नैतिक जीवन में सुधार हो, इस बात पर भी बल दिया। आपकी प्रेरणा से ही निरंकारी मिशन के कई स्कूल स्थापित किए गए। इसके साथ साथ सोहना में एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की गई। आपने मिशन के प्रबंधकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए दो विशेष कॉन्फ्रेंसेस करवाए, एक लुधियाना कॉन्फ्रेंस, दूसरा मसूरी कॉन्फ्रेंस। आप मिशन को नई उड़ान और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते थे। आपके एक एक वचन वाकई मिशन को एक नई दिशा देती चली गई और मिशन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता चला गया। सेवा दल का विकास हो या संगतों का विकास, अन्य भाषा की संगतों का विकास हो या प्रचार प्रसार का तरीका, जितने प्रबंधक महात्मा हैं उनके रहन सहन हर विषय पे आपने छोटी छोटी बातें साथ संगत को समझाई, महापुरुषों को समझाया। एक पिता की तरह अपने हर बच्चे को ये समझाने का प्रयास किया कि हमारा कोई भी काम होना चाहिए तो मानवता के भलाई के लिए होना चाहिए, कभी भी स्वार्थ में न पड़ जाएं और हमेशा परमार्थ से युक्त होकर सेवा सिमरन सत्संग से युक्त होते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। यही सीख आप सदा सर्वदा अपने अनुयायियों को और निरंकारी मिशन के हर एक कुर्सिक को देते रहे। आपकी ये ओजस्विता ही ये महसूस कराती है कि आप गागर में सागर थे, आप सामर्थ्य थे, आप पूर्ण थे। हम सभी आपके प्रति सत सत नमन है। ऐ सतगुरु, ऐसी बख्शिश बनाना ताकि आप जैसा चाहते थे वैसा हम सभी इस मिशन को आगे बढ़ा पाए। आप जहां जहां चाहते थे कि मिशन आगे बढ़े, उन सारी दिशाओं में हम अपने योगदान के द्वारा हमेशा आप तक मुस्कुराहट पहुंचे, साथ संगत खुश हो, ऐसे कर्मों को निभाते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। आइए यही शब्द हम सभी युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के प्रति यही हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन है। आशा है आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। ऐ सतगुरु, आपको सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। धन्यवाद जी।